हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं आपके साथ रक्षाबंधन के लिए स्पेशल सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके इस मिठाई को बना रही हूँ। बहुत इजी मिठाई है, आपको जो घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसी को मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बहुत सिंपली आप इसे रक्षाबंधन के समय में घर पर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सूजी। तो सूजी मीन्स रवा होता है, जो बारीक वाला आप उपमा बनाते हो तो वो वाला सूजी होता है। 1 कप लिया है और शक्कर लिया है 1/2 कप और 2-3 इलायची। अगर आपके पास पाउडर है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच तक घी। बस 2-3 चम्मच तक घी की यूज़ होता है। इसे बहुत सिंपली बनाया जाता है ये मिठाई। अब क्या है, लॉकडाउन के वजह से, लॉकडाउन तो खुल गया है बट फिर भी कोरोना के वजह से बाहर से कुछ खरीद के लाने के लिए हम बहुत सोचते हैं और वो इतना सेफ़ भी नहीं है। तो त्यौहार भी आ रहा है तो उस समय में आप घर पर इस तरह से आसानी से, जो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो आसान से मिठाई बना सकते हो। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया हुआ है। कढ़ाई में हमें सूजी को फ्राई करना है। और एक स्पेशल बात ये मिठाई की है कि ये आप कैसे भी बनाओ कभी ये मिठाई फेल नहीं होगा। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप मिठाई बना देते हो और वो निकलता नहीं है, या फिर उसका हलवा बन जाता है या फिर पूरा टूट जाता है। तो ये मिठाई में वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सूजी को हमें फ्राई करना है तकरीबन 1-5 मिनट तक, 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में और 1-2 मिनट तक लो फ्लेम में फ्राई करना है, 2-3 मिनट तक। इसका जो रॉ स्मेल है ना वो सब निकलने तक फ्राई करना है। जैसे आप उपमा बनाने के लिए पहले सूजी को फ्राई करते हैं तो उसी तरह से इसमें भी आपको फ्राई करके लेना है। लो फ्लेम में मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद हाई फ्लेम में फ्राई कर रही हूँ। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चेंज हो जाएगा, हल्का ही कलर आप देख सकते हो। वाइट से हल्का सा कलर चेंज लग रहा है और उसका खुशबू भी आ रहा है क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गया है। इसलिए अब मैं क्या करूँगी, इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख दूंगी। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगते हैं ये बनाने में, तो एक ही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए उसमें से सारा सूजी मैंने निकाल दिया है और एक प्लेट में ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यही कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी शक्कर। हमने 1/2 कप शक्कर लिया हुआ था और हम अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। तो आप ध्यान रखिएगा, 1/2 कप शक्कर और 1/2 कप पानी। और फिर इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ। इलायची सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड किया है। इससे मिठाई में क्या होता है, हम इंडियंस तो बिना इलायची का मिठाई मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें मिठाई इलायची डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी घी 2 से 3 चम्मच तक। तो घी और ये शक्कर और इलायची ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। शक्कर को मेल्ट होने के लिए देना है, ज़्यादा समय की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट शक्कर को मेल्ट करना है। ये मीडियम टू हाई फ्लेम में आप रख के कर सकते हो। तो शक्कर जल्दी से मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता और इसमें घी का जो खुशबू है ना बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ईजी है। तो शक्कर अच्छे से मेल्ट करने देना है और जो इलायची है इसका फ्लेवर अच्छे से लेने के लिए देना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से हल्का सा मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दूँगी, ग्रीन फूड कलर। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप इसके जगह पे केसर ऐड कर सकते हो। केसर ऐड करने से बढ़िया इसका फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आता है और कलर भी बहुत ही ऑरेंज टाइप कलर आता है तो बहुत बढ़िया दिखता है। तो मैं जस्ट इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड की हूँ, ग्रीन कलर। ये जस्ट मैं मिठाई के साथ, बाहर से कुछ भी खरीदो तो बिना फूड कलर का तो कुछ बनता नहीं है। मेन चीज़ तो फूड कलर लगता है क्योंकि आपको दिखने में पहले तो कलरफुल दिखना चाहिए, तभी तो लोग खरीदते हैं इसके लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाजार जैसे लुक देने के लिए हल्का सा मैंने फूड कलर डाला हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, अच्छे से बॉयल होने के बाद इसमें से इलायची निकाल दूँगी। ये हमें शुगर जो है ज़्यादा ठीक वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेल्ट होने तक हमें इसे बॉयल करना है। 1-3 से 4 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सूजी ऐड कर देंगे। जो हमने सूजी फ्राई करके लिया हुआ था वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इस तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे और 1-5 मिनट तक मिक्स करना है लो फ्लेम में रख के। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ नॉनस्टिक का यूज़ नहीं करती हूँ, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। मैं कोई भी, कभी भी कोई भी बर्तन मैंने नॉनस्टिक का नहीं यूज़ किया हुआ है क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास में, जैसे विदाउट
आउट नॉनस्टिक कुकिंग करते तो उसी तरह से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्राई करके ले रही हूँ इसे। आप देख सकते हो ये सूजी भी फूल गया है ये शक्कर के पानी में जाने के बाद, और इसका ये हल्का सा ठीक होते आ रहा है। तो इसे एक 2-3 मिनट तक फ्राई करके लेना है, आपको इसके टेक्सचर से ही पता चल जाएगा। या फिर आप टाइम देख सकते हो और इसे लो फ्लेम में फ्राई 5 मिनट तक फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह से अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि सूजी और शक्कर जो है बहुत अच्छे से मिल जाए घी के साथ में। तो इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें 4-5 चम्मच भी घी ऐड कर सकते हो अगर आपको मिठाई में ज़्यादा घी पसंद है तो, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगा, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर इतना होने के बाद हमें इसमें गैस को ऑफ़ करके रख देना है। और एक प्लेट लिया हुआ है मैंने जिसमें मैंने घी डाल के रख दिया था ये, तो ये फिर अच्छे से होने के बाद गैस को ऑफ़ करके वो मैं प्लेट में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से जस्ट एक 5 मिनट तक फ्राई करके ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो अभी क्या हो रहा है, सब एक साथ इकट्ठा हो रहा है, तो तब तक हमें फ्राई करके लेना है। और फिर इसके बाद मैंने इसे एक प्लेट में ऐड कर दिया है। और फिर प्लेट में ऐड करते ही 1-2-4 मिनट के बाद मैं इसे हल्का सा चाकू से जस्ट शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हो, आप काजू कतली का शेप दे सकते हो, या फिर इस तरह से स्क्वायर शेप में बना सकते हो, या फिर कोई भी। अभी ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है, मैं जस्ट हल्का सा शेप दे रही हूँ ताकि आगे आसान हो जाए इसके लिए। तो इसे हमें फ्रिज के अंदर रख के कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर ही आप जस्ट 2 घंटे के लिए रख दीजिए, ये बहुत बढ़िया से सेट हो जाता है। अगर आपको बहुत घाई है तो फिर आप फ्रिज में रख सकते हो ये सेट होने के लिए, तो बहुत एक आधा 1 घंटे के अंदर ही सेट हो जाएगा। तो मैं अब इसे इस तरह से सेट करने के लिए रख दूँगी, बाहर ही रख रही हूँ मैं इसे। आप देख सकते हो ये बहुत ही सॉफ्ट है अभी, तो अभी तक कड़क नहीं हुआ है। तो 1-2 घंटे के बाद मैं, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जो हमने कट किया हुआ था उसके ऊपर मैं फिर से शेप दे रही हूँ ताकि अभी आसानी से निकल जाए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जस्ट ऊपर से शेप दिया था कि ताकि हमें कट करने में इजी हो जाए। तो अभी ये हल्का सा सेट हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसे एक चम्मच के चाकू के मदद से फिर से इसमें एक कट लगा दूँगी, जो हमने कट लगाया हुआ था उसे मैं एक कट लगा दूँगी। तो ये सारा मैंने अच्छे से कट लगा दिया है, तो अब मैं आपको दिखा दूंगी कि ये कितने आसानी से निकल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आसानी से ये निकल रहा है मिठाई। तो मैं इसी तरह से सारा मिठाई निकाल कर रख दूंगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यस सारा मिठाई बहुत आसानी से निकल रहा है। तो मैं आपको प्लेट दिखा रही हूँ कि कितना क्लीनली निकला हुआ है, कहीं पे भी ये चिपका नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बादाम के पीस रख के सजाया हुआ है, ये मैंने राखी के लिए बनाया है रक्षाबंधन के लिए। तो मैं इसे बनाकर, आप इसे बाहर भी रख सकते हो ख़राब नहीं होगा, या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। तो इसी तरह से मैं नया नया मिठाई के साथ आऊँगी आपके साथ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, तो इसका फाइनल आप लोग देख सकते हो मिठाई का कि किस तरह से बना हुआ है। आप विदाउट फूड कलर भी बना सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही यम्मी टेस्टी बना हुआ है। आप दुकान से भी कहीं ज़्यादा बेहतर आप इस तरह से मिठाई बना सकते हो आसानी से घर पर ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।